बरौदिया कला, कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं बंद कराई थी उन सभी योजनाओं को फिर से चालू किया गया है। भाजपा सरकार गरीबों के हित में काम करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तृतीय चरण में निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरोज सहने सागर जिले के ग्राम बरौदिया कला में निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरण किए। 39 महिला हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती सह ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना फिर से शुरू की गई है। महिलाओं को धुआं से राहत मिलेगी। ऐसी योजनाओं से महिलाओं को सुविधा मिल रही है। अब धुआं से उन्हें मुक्ति मिलेगी। और जो कांग्रेस सरकार ने योजनाएं बंद कराई थी उन सभी योजनाओं को फिर से चालू किया गया है। क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं रहेगी। भाजपा सरकार गरीबों के हित में काम करती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सरोज सह, सांसद प्रतिनिधि कोमल यादव, बलराम ठाकुर, सरपंच दयाराम चौरसिया, पी खान, नीरज ठाकुर, मनीष एवं सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज और जगह देखें तो बहुत कम कनेक्शन वितरण हुए हैं। आज अपने यहाँ माताओं बहनों का ख्याल रखते हुए माननीय मंत्री जी ने हर घर तक कनेक्शन भेजने का संकल्प लिया है। ऐसा कोई भी घर नहीं बचेगा जिसको कनेक्शन ना मिले। सबको कनेक्शन वितरण कर दिए जाएंगे। आज सभी विकास के कार्य हमारे क्षेत्र में बराबर चल रहे हैं। आगे आदरणीय चाची जी से निवेदन करेंगे कि वो सब हम सबको संबोधित करें। भूपेंद्र भैया जिंदाबाद, भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। आज के गैस वितरण के कार्यक्रम में उपस्थित भाई भैया लोग, समस्त बहनों, माता पिताओं सबका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा फिर से निःशुल्क उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस वितरण कार्यक्रम रखा गया है। वो आप सबको इससे बहुत सुविधा होगी। इन बहनों के यहाँ गैस नहीं था, उनको बहुत परेशानी होती थी। दूर दूर तक उनको लकड़ी लेने जाना पड़ती थी और धुआं लगता था, घर काले हो जाते थे और आंखों में बहुत तकलीफ होती थी। तो अब ये प्रधानमंत्री जी ने इतनी सुविधा दी कि अब इससे हम सबको निजात मिल जाएगी। बहनों के लिए अब अपने गैस का उपयोग करने की सुविधा होगी और बहनों के लिए अब प्रधानमंत्री जी द्वारा निःशुल्क आवास योजना में सुविधा दी जा रही है। इसमें आपको आवास मिल रहे हैं और जिनको नहीं मिले हैं तो उनको भी और आवास अभी मिलेंगे। आवास ये नहीं सोचना कि एक बार बंद हो गए, सबको मिलेंगे। और अभी पहले कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस का सरकार थी।